जय जिनेन्द्र वंदे तो सव सिद्धे ध्रुवमल मनोभम गलिम पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी में इस समय बड़ा अनोखा वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निश्चय से वर्णन न कभी सुनने में आया न कभी पढ़ने में आया, विचित्र वर्णन है। पिछली ज्ञानशाला में सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, उनका निशंकित अंग कैसा होता है निश्चय से, इसकी व्याख्या हुई। आज की ज्ञानशाला में निश्चय से निकांक्षित और निर्विचिकित्सा अंग की बात होगी। आइए गाथा 245 निकालें। जोण करे दिदु कंखम, जोण करे दिदु कंखम, कम फले सुतहय सवधम मेसु, कम फले सुतहय सवधम मेसु, सोणे कंखो चेदा, सोणे कंखो चेदा, सम्मादिट्ठि मुणे दवो, सम्मादिट्ठि मुणे दवो। बोली जोण करे दिदु कंखम, कम फले सुतहय सवधमेषु, सोणे कंखो चेदा, सम्मादिट्ठि मुणे दवो। जोण करे दिदु कंखम, कम फले सुतहय सवधमेषु, सोणे कंखो चेदा, सम्मादिट्ठि मुणे दवो। इस गाथा में निकांक्षित अंग का निश्चय से स्वरूप दिया है। मैंने पिछली ज्ञानशाला में बताया था व्यवहार ने अंगों का स्वरूप पर की अपेक्षा बोलता है, निश्चय ने निज की अपेक्षा बोलता है। शब्दार्थ देखो, जो न करेद जो नहीं करता है, कंखम कांक्षा, कांक्षा माने इच्छा, जो इच्छा नहीं करता है किसकी, कम फलेषु कर्मों के फलों की, तहय तथा सवधमेषु समस्त धर्मों की, अर्थात जो कर्मों के फलों की तथा समस्त धर्मों की इच्छा नहीं करता है, सो उसे निकंखो निकांक्ष, कांक्षा रहित, चेदा माने आत्मा, सम्मादिट्ठि माने सम्यक दृष्टि, मुणे दवो जानना चाहिए। कैसा है आत्मा का निकांक्षित नाम का अंग, जो कर्मों के फलों की और समस्त धर्मों की रंच मात्र भी इच्छा वांछा नहीं करता, वह निकांक्षित अंग निश्चय से कहा जाता है। फिर एक बार अर्थ देख लीजिए, जो न करे दिदु कंखम, जो इच्छा नहीं करता है कर्मों के फलों की तथा समस्त धर्मों की, उसे निकांक्ष आत्मा सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थ देखें, जो आत्मा कर्मों के फलों की तथा समस्त धर्मों की कांक्षा माने इच्छा नहीं करता, उसे निकांक्ष अर्थात निश्चय से निकांक्षित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, कर्म फलों में वांछा कैसी होती है? पंचेंद्रियों के विषय मुझे ऐसे ऐसे प्राप्त हों, मैं अगली पर्याय में इंद्र बनूं, मैं अगली पर्याय में राजा महाराजा बनूं, ऐसे तरह तरह की वांछाएं पंचेंद्रियों के विषयों की, मुझे ऐसे ऐसे सुख प्राप्त हों, जो सम्यक दृष्टि है ना, उसके निश्चय से ये वांछा नहीं होती। पंडित जी, सर्वधर्मों की वांछा कैसी होती है? धर्म में
दो तरह की व्याख्या हम करेंगे। यहाँ दिया है ना, सर्वधर्मेषु, सर्वधर्मों में, धर्म की दो तरह से व्याख्या। पहली व्याख्या, एक तो धर्म होता है पुण्य रूप धर्म, अर्थात मैं ये कार्य इसलिए करूं, मैं ऐसे ऐसे कार्य का संपादन करूं जो अगले जन्मों में मुझे इंद्र जैसे भोग प्राप्त हों, तो पुण्य रूप धर्मों में। और दूसरी बात, जैन धर्म के अलावा जो अन्य मत वाले हैं, हमको तो वो मत वाले बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं, अब अगले जन्म में वो मत मिले, वो धर्म मिले तो बड़ा अच्छा हो, नहीं ये बहुत गलत वांछा है, अन्य धर्मों में उसकी वांछा नहीं होती। तीसरी बात और भी समझ सकते हैं, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है, कहा है ना, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है, इसलिए इनसे दूर रहना है। मुझे तो एक परमानंद में, अपने आत्मा में लीन रहना ही सुखदायी है, और जो जीव ऐसा रहता है उसके वांछा नहीं होती। पहले एक गाथा हमने पढ़ी थी समयसार जी में, शायद आपको ध्यान होगा, सम्यक दृष्टि जीव को वर्तमान के प्राप्त भोगों में कोई आकांक्षा या लालसा या रति नहीं होती। तो जिसको वर्तमान में प्राप्त भोगों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, आगामी ऐसे ऐसे मुझे प्राप्त हों पुण्य के फल, उनकी इच्छा नहीं करता, वो तो निरंतर अपने आत्मानंद में मग्न रहता है, क्योंकि वो जानता है ये ऐसे ही है, बाकी स्त्री संसार की व्यवस्थाएं हैं सब मुझे पतित करने वाली हैं, मुझे इनसे दूर रहना है, इसलिए मैं किसी की इच्छा नहीं करता। पंडित जी, व्यवहार में से निकांक्षित अंग का क्या स्वरूप समझा जाए? बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ शुद्ध उपाय में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, इह जन्मन विभवादी नियमूत्र चक्रत्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपिच नाकांक्षित। इस जन्म में तो वैभव की वांछा नहीं करता, इस जन्म ने विभवादी अमूत्र, अन्य जन्मों में मैं नारायण बनूं, चक्रवर्ती बनूं, ऐसे वैभव की इच्छा नहीं करता, और एकांतवाद दूषित पर समयानपिच नाकांक्षित, और एकांतवाद से दूषित वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं बताने वाले जितने भी अन्य धर्म हैं, उन अन्य धर्मों की इस जन्म या अगले जन्म में रंच मात्र भी इच्छा नहीं करता। वो तो सोचता है बड़े भाग्योदय से जैन कुल में जन्म मिला है, मैं सांस स्वाध्याय करूं, आत्म स्वरूप को पहचानूं और इसमें लीन हो जाऊं। क्यों? संसार के दुखों से मुक्ति का यही मात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय है ही नहीं। ऐसी जिसकी धारणा है, जिसे कोई वांछा नहीं, मात्र आत्मस्वरूप के परमानंद की ही वांछा है, उसके निश्चय से निकांक्षित अंग होता है। गाथा 245 का पद्यानुवाद देखिए, कांक्षा कभी न रखता जड़ पर्ययों में, धर्मों पदार्थ दल के विधि के फलों में, होता वही मुनि निकांक्षित अंगधारी, वंदू से बन सकूं द्रुत निर्विकारी। कांक्षा कभी न रखता जड़ पर्यायों में, पुद्गल की पर्यायों में जिसकी कोई वांछा नहीं, धर्मों में और पदार्थों के समूह में और कर्म के फलों में जिसकी कोई वांछा नहीं, वही मुनि महाराज निकांक्षित अंग के धारी होते हैं। मैं उन्हें बार बार वंदना करता हूँ ताकि मैं भी शीघ्र विकार रहित बन जाऊँ। आइए गाथा नंबर 246 देखते हैं। जोण करे दिदु गुंछम, जोण करे दिदु गुंछम, चेदा संवेशिमेव धम्माणम, चेदा
सोखलुणिविदिगिंचो सम्मादिट्ठि मुणे दवो जोण करे दिदु गुंछं चेदा संवेशिमेव धम्माणं सोखलुणि विदिगिंचो सम्मादिट्ठि मुणे दवो जोण करे दिदु गुंछं चेदा संवेशिमेव धम्माणं सोखलुणि विदिगिंचो सम्मादिट्ठि मुणे दवो। शब्दार्थ देखें, जो ण माने नहीं करेदि करता है, दुगुंछम जुगुप्सा, जुगुप्सा माने ग्लानी घृणा, जो ग्लानी नहीं करता है आत्मा चेदा सव्येषिमेव धम्माणम् सभी धर्मों के प्रति, सभी ही धर्मों के प्रति घृणा नहीं करता, उसे सो माने उसे खलु माने निश्चय से निर्विचिकित्सक माने घृणा रहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, मुणि दब्बो जानना चाहिए। फिर देखें, जो न करे दुगुंछम, जो नहीं करता है जुगुप्सा, जुगुप्सा माने घृणा ग्लानी, चेदा माने आत्मा, जो आत्मा घृणा नहीं करता है सव्येषिमेव धम्माणम् सभी धर्मों के प्रति, उसे निश्चय से निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि अर्थात निर्विचिकित्सा अंग का पालने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थ देखें, जो आत्मा सभी धर्मों वस्तु स्वभावों के प्रति जुगुप्सा माने ग्लानि नहीं करता है उसे निश्चय से निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, सभी धर्मों में घृणा कैसी होती है? पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ये उसका स्वभाव है। अगर हम किसी पुद्गल द्रव्य को देखकर उसमें घृणा करते हैं तो नहीं, ये घृणा करना सम्यक दृष्टि का अंग नहीं। जैसी वस्तु वैसा उसका स्वभाव। एक उदाहरण से समझाऊंगा। एक बार मैं रामटेक गया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज उस तरफ लास्ट में सड़क के किनारे एक रूम में विराजमान थे। गया, नमोस्तु करके बैठा, मैंने देखा आचार्य जी के कमरे के बाहर ही ठीक बाउंड्री थी क्षेत्र की, और उसके उस तरफ पब्लिक यूरिनल था, पेशाब घर, और बड़ी बदबू आ रही थी उस कमरे में। मैं बैठा, बड़ी गड़बड़ मालूम पड़ी। मैंने आचार्य जी को निवेदन किया, गुरुदेव कमरा बदल लीजिए, यहाँ तो बड़ी बदबू आ रही है, यहाँ कैसे रह पाएंगे आप? आचार्य जी ने बहुत थोड़े से में उत्तर दिया, पुद्गल के दो ही तो गुण हैं, सुगंध और दुर्गंध, इनमें क्या अच्छा बुरा देखना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। बदबू आ रही है लेकिन फिर भी बदबू में घृणा नहीं, इसका नाम निर्विचिकित्सा, घृणा से रहित पना है। जिन निश्चय सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं उनकी तो किसी के प्रति ये वस्तु का स्वभाव है, क्या घृणा करना। कहीं आप चल रहे हैं, रास्ते में मल पड़ा है, मल को देख के घृणा करने का क्या काम, घृणा करने का सोचिए। ट्रेन में आप जा रहे हैं, कोई कोढ़ी व्यक्ति है और वो आपसे पैसे मांगने आता है। मैंने देखा बहुत से लोग तो मुंह फेर लेते हैं, नहीं, मुंह फेरने का क्या काम, इस व्यक्ति ने ऐसे कर्म बांधे हैं जो इसकी दशा हुई है, ये तो कर्म का फल है। अब देखिए दो बात, अगर आप उसको देख के घृणा करेंगे तो क्या होगा,
तब तो आपके अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान होगा, पाप बंद होगा। और अगर आप ये सोचते हैं ये व्यक्ति कोढ़ी बना है, पहले जन्म में किन्हीं सच्चे गुरुओं की इसने निंदा आदि की होगी, देखो उसकी वजह से क्या फल इसको मिल रहा है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान होगा। क्या करना चाहेंगे बताइए, पाप बंद करेंगे अर्थ ध्यान या विपाक विचय धर्म ध्यान? इसलिए पदार्थों के स्वरूप को देख के ये तो इनका गुण है, इससे क्या घृणा करना, ऐसी घृणा रहे तो होता है। यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, निश्चय सम्यक दृष्टि जीव को जो मुनि महाराज ध्यान में लीन है, कोई गंदे से गंदी चीज़ों में उठा के डाल दे, कुछ भी कर दे, कैसी ही कोई सर्दी गर्मी हो, रंच मात्र भी विकल्प उनके नहीं होता, उन्हें कोई घृणा नहीं होती, ऐसा उनका निर्विचिकित्सा अंग होता है। पंडित जी, निर्विचिकित्सा अंग का व्यवहार क्या स्वरूप है? छेड़ालाकार लिखते हैं, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि महाराज स्नान नहीं करते, शरीर पर मैल जमा रहता है, लेकिन फिर भी उनके रत्नत्रय से पवित्र शरीर को देखकर रंच मात्र घृणा नहीं करना। बहुत अच्छा लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, बहुत ध्यान से सुनने वाला, क्षुत्रृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विदेशु भावेशु द्रव्येशु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्या बढ़िया लिखा है, क्षुत्रृष्णा क्षुधा होने पर, आहार के लिए गए थे आज विधि नहीं मिली, हो कैसे कटेगा सारा दिन, भूख के मारे नाक में दम नहीं, ऐसा मत सोचिए। तृष्णा प्यास लगने लगे, घृणा नहीं ग्लानी नहीं। शीतोष्ण सर्दी बहुत पड़े या गर्मी बहुत पड़े, सुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विदेशु भावेशु तरह तरह की ऐसी परिस्थितियों में, और द्रव्येषु पुरीषादिषु और लैट्रीन आदि गंधे पदार्थों में भी चिकित्सा नैव करणीया, घृणा बिल्कुल मत करो। क्यों? ये तो वस्तु का स्वभाव है। घर में वृद्ध माता पिता हैं, तबीयत खराब है, अब अगर उनके मलमूत्र साफ करने की सेवा करनी पड़ती है, नहीं घृणा का कोई काम नहीं। क्यों? वस्तु का स्वभाव है, वृद्ध हैं नहीं चल फिर सकते, तो क्या है, सेवा करना हमारा धर्म है। हमने पूज्य आचार्य श्री को देखा, जब समाधि रत कोई होते हैं ना, तो अपने हाथ से उनका कफ लेके और बाहर डाल के शुद्धि से सारा काम करते हैं, उन्हें रंच मात्र घृणा नहीं होती। क्यों नहीं होती? वस्तु का है तो स्वभाव ही ऐसा है, इससे घृणा का क्या काम। इसलिए कैसे ही परिणाम कैसी परिस्थिति हो, ठहरने का कमरा बहुत गंदा मिल गया, घृणा नहीं, बिल्कुल घृणा का काम नहीं। किसी के घर में गए अगर व्यवस्था अच्छी नहीं मिली, कोई बात नहीं, घृणा का काम नहीं। ऐसे निर्विचिकित्सा अंग का धारण करना व्यवहारण्य का विषय है। पंडित जी, निर्विचिकित्सा अंग का कोई और उदाहरण बताएं। शास्त्रों में निर्विचिकित्सा अंग में उदयन राजा की कथा सुनने को मिलती है। जब उनके सम्यक्त की ऊपर बड़ी प्रशंसा हुई स्वर्गों में, तब उन्हीं की देव परीक्षा लेने आए थे। देव ने साधु का स्वरूप बनाया, राजा उदयन ने उन्हें पड़गाया, पड़गाने के बाद वे अपने चौके में उनको ले गए आहार के लिए। वहाँ ले जाकर उन्होंने आहार कराया, आहार लेने के बाद में उन जो देव का स्वरूप था साधु रूप में, उसने भयंकर पलटी कर दी। उदयन राजा जब उसको साफ करने लगे, तो उन्होंने उस राजा के ऊपर भी पलटी कर दी, लेकिन फिर भी उदयन नाम के जो राजा महासम्यक दृष्टि थे, रंच मात्र भी घृणा नहीं आई। देखो उनके विचार कैसे थे, आज मेरे कितने पाप का उदय है, मेरा आहार मुनि महाराज को पच नहीं पाया और मुनि महाराज ने पलटी कर दी, ओहो अब इनका सारा दिन कैसे कट पाएगा,
ओहो मैं तो आज महान गलत काम कर बैठा। उन्होंने अपनी निंदा की। ऐसा होता है निर्विचिकित्सा अंग का धारी, उन्हें पलटी की बदबू नहीं लग रही है, उन्हें को तो ये कह रहे हैं मेरी वजह से आज इनको कितना कष्ट हुआ। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कैसा भी कुछ हो जाए, रंच मात्र भी ऐसा विचार घृणा का नहीं करे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आचार्य के संग में नंबर दो पर मुनि समय सागर जी महाराज हैं। एक बार वे ऊपर जो जबलपुर में जो मढ़िया है उसमें ऊपर बैठे हुए थे, विराजमान थे। हम उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ उनके पास पहुँच गए। हमने देखा वो बैठे हुए थे पीठ मोड़ के, ताकि कोई वहाँ बैठे नहीं। हम बैठे, हमने देखा उनकी पीठ पर खुरंट जमे हुए थे और कई खुरंट तो उखड़े हुए थे आधे आधे। हमारे साथ में एक महानुभाव थे, वो उठ के उन्होंने अपना दुपट्टा लिया और खुरंट हटाने लगे। महाराज बोले, अरे क्या कर रहे हो? महाराज आपके शरीर पे ये गंदगी लगी है, साफ कर रहा हूँ। महाराज हंसते हुए बोले, यही तो हमारे आभूषण हैं, इन्हें क्यों हटा रहे हो? नहीं नहीं, हमें ये गंदे नहीं लग रहे। ये है निर्विचिकित्सा अंग। इसको अच्छी तरह से अपने जीवन में, परिवार में, बाहर समाज में, सब जगह इसको प्रयोग में लाना चाहिए। कोई वस्तु घृणा के लायक नहीं। किसी के साथ कोई भी समस्या हो जाए, कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, इसको देखा उसको देखा, नहीं, घृणा का काम नहीं। देखो तो ये सब असाता वेदनी के उदय के कार्य हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। गाथा 246 का पद्यानुवाद देखिएगा। कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ, सारे सदा परिणमे निज में यथार्थ। ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से, धारे तृतीय दृगवंग तभी रुचि से। पहली दो पंक्ति कितनी अच्छी है। संसार में कोई पदार्थ घृणा के योग्य नहीं। सारे पदार्थ सदा वास्तव में अपने स्वरूप से परिणमन करते हैं। इसलिए तीसरी पंक्ति, ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से, जो ज्ञानी मुनिराज हैं किसी से ग्लान नहीं करते, उनके तीसरा सम्यक दर्शन का अंग रुचि पूर्वक होता है। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधु श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।